एक बच्चे ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक इंस्टीट्यूशन चलाऊंगी जैसे आज चला रही हूँ। Really, it's a very emotional moment. These all are the 18 daughters. Thank you so much. Love you all. पहली बार स्कूल में दी गई छात्रों को साइकिलें। जागतिक महिला दिवस के मौके पर आज मीरा भाईंदर शहर के उत्तन परिसर के आमसा घर स्कूल में ज़रूरतमंद बच्चों को साइकिलें दी गई। मीरा भाईंदर शहर का ये पहला स्कूल है जिसमें छात्रों को तकरीबन 60 के करीब साइकिलें दी गई। मीरा भाईंदर शहर के उत्तन परिसर में आमसा घर नामक स्कूल है। यह स्कूल की प्रेसिडेंट आगाता सुशीला एंथोनी डायस है। पिछले 25 सालों से यह स्कूल चलाती है और इनका एक आश्रम भी है जिसमें सैकड़ों बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर बाहर निकले हैं और आज अच्छे मकाम पर अपना नाम रोशन किया है। प्रेसिडेंट सुशीला को मॉडर्न मदर के नाम से भी जाने जाते हैं। आगाता सुशीला एंथोनी डायस ने अपने आत्मचरित्र पर एक किताब भी लिखी। जागतिक महिला दिवस के मौके पर आज डायलॉग राइटर व कोच प्रकाश भरद्वाज व पूर्व नगर सेवक टेरी परेरा, रेनॉल्ड बेचरी, लियाकत कुरेशी आदि लोग उपस्थित हुए थे। इनकी उपस्थिति में आज यह किताब का विमोचन किया गया। नमस्कार आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे YSR न्यूज़। इस वक्त हम हैं उत्तन के आमसा घर स्कूल में, जहां स्कूल की प्रेसिडेंट आगाता सुशीला डायस ने एक किताब लिखी है। यह किताब में उन्होंने अपना खुद का आत्मचरित्र लिखा है। काफ़ी उन्होंने स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में और वो लाइफ का हर एक पार्ट्स का उल्लेख उस किताब में उन्होंने लिखा है। बीते 25 सालों से यह वो स्कूल चलाते हैं जिसमें कई ज़रूरतमंद गरीब बच्चों को आर्थिक मदद। आज उन्होंने मीरा भाईंदर शहर का एक ऐसा स्कूल तैयार किया है जहाँ ज़रूरतमंद बच्चों को काफ़ी सुविधा यहाँ पर मुहैया कराते हैं। आज उन्होंने तकरीबन 60 के करीब ज़रूरतमंद बच्चों को साइकिल भेंट दी है। इस मौके पर जो प्रेसिडेंट है उन्होंने हमसे बातचीत की। लोग कहते हैं कि मैं मेरे बच्चे नहीं हैं, पर मैं कहती हूँ मेरे अपने बच्चों, मेरी बहनों भाइयों से मैं बोलती हूँ कि मेरे बच्चे नहीं हैं पर मेरे पास हज़ारों बच्चे हैं जो मुझे माँ कहते हैं और उसके अलावा मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। आई ऑलवेज वॉन्टेड कि लोग ऐसा इस मेंटालिटी द ट्रांसफॉर्मेशन नीडेड इन टू द माइंड्स ऑफ पीपल। लोग सोचते हैं सोशल वर्कर मतलब एक झोला लटका ले या साड़ी पहन ले या शलवार कुर्ता पहन ले। सोशल वर्कर कपड़ों से नहीं, सोशल वर्कर दिल से होता है। एंड यदि आज का जमाना और आज का यंग युवा पीढ़ा यदि ये समझ ले कि वेरी ऑफन लोगों ने हमें बोला है कि यार वो शलवार कुर्ता पहनना पड़ेगा, ये साड़ी पहनेगी, कहाँ सड़कों पे जाना। पर आज सोशल वर्कर वो नहीं है। सोशल वर्कर यदि हम चेंज कर दें कि सोशल वर्कर दिल से होता है, दिमाग से होता है, कपड़ों से नहीं होता है। लेट्स चेंज दैट एटीट्यूड, द मेंटालिटी ऑफ द पीपल हैज गॉट इट। वेल, एक बच्चे ने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक इंस्टीट्यूशन चलाऊंगी जैसे आज चला रही हूँ। एक बच्चे ने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी जो सड़क पर था, जिसकी माँ को मालूम था कि उसका सेक्शुअल अब्यूज़ हो रहा है घर में, पर शी केप्ट क्वाइट, थिंकिंग कि जो इंसान अब्यूज़ कर रहा है वो उसको राशन दे रहा था। एंड दैट वॉज हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी कि हाउ कैन अ मदर सी अ चाइल्ड गेटिंग अब्यूज्ड। एंड दैट वॉज अ डे वेर इट चेंज माई लाइफ। एंड टुडे आई एम सो प्राउड दैट आई एम कॉल्ड नॉट दीदी अंकल रिलेशनशिप, बट इट हैज़ द रिलेशन हैज कम टू मॉम एंड डैड। एक जब समय था जब मेरे पास में 3 रुपया 50 पैसा नहीं था। एंड मैंने मेरे बच्चों को कहा कि चलो मैं नहीं कर पाई, मैं चाहती थी कर पाऊँ, क्योंकि डेडिकेशन और कमिटमेंट से ही काम नहीं चलता, पैसे से भी चलता है, पैसा होना भी ज़रूरी है। एंड जब मैंने उन बच्चों को बोला कि मैं तुम्हें किसी और संस्था में डाल दूँगी जहाँ भी तुम्हारी प्रॉपर परवरिश होगी, उन बच्चों ने मुझे सिखाया मैं सड़क पर भी भूखा था माँ और मैं आपके साथ भी भूखा रह सकता हूँ, पर मुझे कहीं और मत भेजना। एंड दैट वॉज इंस्पिरेशन फॉर मी टू कैरी फॉरवर्ड दिस मिशन। एंड मे बी शायद मैं एहसास करती हूँ कि मुझे ये बताया गया कि यू आर ओनली इंस्ट्रूमेंट टू रन दिस शो, अबाव यूनिवर्स इज देयर हु इज डायरेक्टिंग यू, गाइडिंग यू, प्रोटेक्टिंग यू। क्योंकि बहुत सारे ऐसे 25 साल की जिंदगी में, ऐसा नहीं सब कुछ हा हा वाली जिंदगी है, बहुत सारे ऐसे समय थे जब हमने आंसू से निकाले, बट जब भी हम ब्रोकन ए शटर व टोटन टोटली टोन वन थे तब
कोई फरिश्ता आता है और आपको सपोर्ट करता है, एंड दैट प्रूव्स यू दैट द एनर्जी इज विथ यू एंड यू विल गो अहेड. मैडम हमने भी आपको इमोशनल होते देखा, आपके आंसू झलक उठे थे, क्या कहेंगे आप? यस, इमोशनल अ वुमन इमोशनली वी नीड टू हैव. इट्स नॉट दैट वुमन, एवरीवन शुड हैव. मैं तो बिलीव करती हूँ जो इंसान इमोशनल है वो स्पिरिचुअल है. इफ यू चेक इट आउट एवरीवेयर, यू चेक आउट एवरीवेयर, यू विल फाइंड पर्सन जो ही कनेक्टेड है, जिसके पास लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं आज एक मैनिफेस्टर कोच भी हूँ और मैं लोगों को यही सिखाती हूँ कि एक थॉट है, एक गोल है आपके साथ में. यदि उस गोल के साथ, उस आपके थॉट पावर के साथ में यदि आपके इमोशन जुड़ जाएँ या आपकी फीलिंग जुड़ जाए तो वो गोल 100% कम्प्लीट होना है. पर हम वहीं मार खा जाते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नेगेटिविटी है. बोलते हाउ कैन दैट बी पॉसिबल, हाउ कैन दैट विल हैपन. बट आई टुडेज जनरेशन, मेरे बच्चों को, मेरे ऑर्फन के बच्चों को मैंने ये चालू कर दिया है और उनको ये बिलीव हो गया है कि यस, मैनिफेस्टेशन टेक्स प्लेस, ड्रीम बी अकम्प्लिश्ड, प्रोवाइडेड योर थॉट एंड योर फीलिंग्स शुड गेट टुगेदर एंड दिस 100% मैनिफेस्टेशन वुड टेक प्लेस. क्या कहेंगे महिलाओं को जागरूक दिवस के मौके? आज मैं महिलाओं को सबको ये बोलूँगी, जो आपके अंदर से जो डिवाइन वुमेन, डिवाइन गॉडेसेस हैज़ टू बी अवेकन. यदि द डे वो अवेकन हो गई तो वुमेन आज के यहाँ रोएगी नहीं, वो बराबर साथ देगी हमारे इस दुनिया को और यूनिवर्स को बेटर क्रिएट करने के लिए. सर ये बहुत मेरे लिए सम्मान की बात है कि मुझे यहाँ पर इनवाइट किया गया एज अ चीफ गेस्ट, और मैंने देखा है जिस तरह से सुशीला जी अनाथ बच्चों को लेकर, मतलब उनको पूरी ज़िंदगी दे देना आपने पिछले 25-26 सालों से, वो मतलब लगातार ये काम कर रही हैं, तो मैं तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ उनके इस काम से. और मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ कि इस तरह से और न जाने हज़ारों लाखों बच्चियों का जीवन वो संवारें और ईश्वर उनके साथ है. और जहाँ तक इस किताब की बात है तो मैं बिल्कुल इस किताब को पढ़ूंगा, क्योंकि ये उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी है और जिसमें उन्होंने अपनी पूरी एक कहानी लिखी है अपने जीवन की. और जैसा उन्होंने लिखा है कि इफ़ आई कैन एनीबडी कैन, सो ये वाकई बहुत एक मेरे ख्याल से इंस्पिरेशन की बात है कि अगर वो कर सकती हैं तो फिर कोई भी कर सकता है. लेकिन वो इंटेंशंस, वो प्योरिटी, वो लगन, वो निस्वार्थ की जो भावना है वो होनी चाहिए, कोई भी कर सकता है. जी बिल्कुल, मैं देखता हूँ जैसा मैंने कहा कि जो माँ होती है उसी में इतनी शक्ति होती है, जो अपने बच्चों को संभालती है, पूरी ज़िंदगी संभालती है वो. हम अपनी माँओं को देख रहे हैं बचपन से, जब से हमारी आंखें खुली हैं वो माँ दिन रात काम करती रहती है, उसके लिए कोई छुट्टी नहीं होती, उसका कोई संडे नहीं होता है. बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको बच्चों की फिक्र होती है. तो एक माँ में इतनी शक्ति दी है ऊपर वाले ने मेरे ख्याल से, तो शी इज़ अ मॉडर्न माँ. यस आई कैन से. सर खूप आनंदाचा क्षण आहे, त्रिवेणी संगम ज्याला आपण म्हणतो त्या प्रकारचा हा एक कार्यक्रम आमच्यासाठी होता आज. कारण आम्ही महिला दिवस, बुक पब्लिकेशन्स आणि सायकल डिस्ट्रीब्युशनचा प्रोग्राम ठेवला, पण आनंद याच्यामध्ये आहे की जसं अख्ख्या महाराष्ट्रभर जगभर आहे की सिंधुताई अनाथांची आई, पण आमच्याकडे सुद्धा एक मॉडर्न आई आहे आणि त्या मॉडर्न आईला आम्ही आगाता मॅडम सुशीला म्हणून संबोधतो की त्यांनी आपलं हे कार्य असंच चालू ठेवावं, कारण त्यांच्या ह्या कार्यामुळे आम्हाला पण प्रोत्साहन मिळते आणि त्यामुळेच ही शाळा मी सुद्धा पुढे नेऊ शकत आहे. तर मॅडमकडून मी पुन्हा अपेक्षा करतो आणि या महिला दिनाच्या त्यांना शुभेच्छा देतो, त्यांच्या या सुंदरशा पुस्तकाबद्दल सुद्धा त्यांना शुभेच्छा देतो. आज मीरा भाईंदरसाठी, उत्तनसाठी खूप आनंदाचा दिवस आहे. जगामध्ये जागतिक महिला दिवस साजरा होतो आहे आणि या जागतिक महिला दिवसाच्या निमित्ताने या आमच्या उत्तनमध्ये आमचं घर या संस्थेमध्ये ज्या त्यांच्या सर्वे सर्व आहेत, सुशीला आगता डायस यांच्या जीवनावरील त्यांचा 25 वर्षाचा जीवनचरित्र, त्यांचा कार्यक्रम, त्यांचा सफर, त्याविषयी त्यांनी एक पुस्तक लॉन्च केलेलं आहे, इफ आय कॅन एनीबडी कॅन. तर त्याच्या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यासाठी आम्ही सगळेजण आज इथे आमचं घर संकुलामध्ये आलेलो आहोत. 25 वर्ष त्यांनी उत्तम असं कार्य केलेलं आहे. अनाथांची माय ज्यांच्या डोक्यावर आईवडिलांचं शेल्टर नव्हतं, त्यांना आगता मॅडमनी शेल्टर दिलेलं आहे. 1996 पासून या संस्थेचं जे बीज रोपलं होतं ते आज एका मोठ्या शिक्षण संस्थेमध्ये, आश्रमामध्ये त्याचं रूपांतर झालेलं आहे. आणि हे खरोखरच आजच्या जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने या मीरा भाईंदरसाठी, महाराष्ट्रासाठी आणि देशासाठी गौरवाची गोष्ट आहे. म्हणून मी या पुस्तक प्रकाशनच्या सोहळ्यानिमित्त
आणि इथल्या विद्यार्थ्यांना 60 विद्यार्थ्यांना सायकल डिस्ट्रिब्युशनचा कार्यक्रम आज होतो आहे. सुंदर कार्यक्रम. मला ना वाटत की आजच्या या शुभ दिवशी मीरा भाईंदरमध्ये कोणत्याही शाळेमध्ये 60 विद्यार्थ्यांना सायकल दिलेल्या आहेत. कदाचित त्यांचा प्रवास खर्च वाचेल, कदाचित त्यांचं एक्सरसाइज होईल आणि ते निरोगी राहतील. असा सुंदर कार्यक्रमाबद्दल आणि प्रकाशन सोहळ्याबद्दल मी मॅडमचे हार्दिक अभिनंदन करतो आणि पुढच्या यशस्वी वाटचालीसाठी त्यांना शुभेच्छा देतो. थँक्यू. मॅडम को तो मैं लास्ट 25 साल से जानता हूँ. आज 25 साल का उन्होंने जो जर्नी है, 25 साल और उससे पहले का जो भी जर्नी उन्होंने किया, जो स्ट्रगल लाइफ में किया, उसका एक बुक, उनका बुक अनावरण आज हुआ. मेरे ख्याल से ये बुक आने वाले पीढ़ी को, अपने बच्चों को एक इंस्पिरेशन होगा. जो सोशल वर्क जो उन्होंने किया है, एक उसका एक स्टोन यहाँ उन्होंने लगाया है आमचा घर के नाम से. उसका आज ये स्कूल है, अच्छा आश्रम चल रहा है. इसके इंस्पिरेशन से यहाँ के बच्चे अच्छे काम करेंगे, सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे. ये बुक ये उत्तन वासियों को, मीरा भाईंदर वासियों को और पूरे भारत देश को एक इंस्पिरेशन देगा बच्चों के लिए काम करने का. और इस अवसर पे मैं मैडम को शुभेच्छा देता हूँ कि उन्होंने जो अच्छा काम किया, जो बुक अनावरण किया, उसके लिए हमारी शुभकामनाएं. सुशीला मैडम सारख्या महिलांचं कौतुक करावं तितकं थोडंच आहे. या उत्तर गावामध्ये हजारो लोक आहेत, म्हणजे हजारो लाख, परंतु स्त्री एकच आहे की एकटी पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून हे कार्य करत आलेली आहे. ना आज महिला दिन, म्हणजे आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्त मला असं वाटत आहे की दुःखी कष्टी असून देखील तिने आपला आज या शाळेमध्ये आमच्या घर मुलांना घेऊन आमच्या या महिलांचं अभिनंदन करण्यासाठी पुढे आली आणि पुस्तक स्थापित केलं. जे काय तिने आतापर्यंत केलं त्या सर्व सूचना म्हणजे जगाच्या कानाकोपऱ्यात माहीत नसेल त्यांच्या कानाकोपऱ्यात त्या सर्व काही तिच्या कार्याच्या सगळी काही माहिती पसरावी म्हणून तिने ते पुस्तक स्थापित केलेलं आहे. आणि त्या पुस्तकावरून जग जाहीर होणारच आहे आजच्या महिला दिना दिवशी तिचं कार्य काय आहे. तिने आपली छोटी छोटी दूध पिती मुलं आपल्या म्हणजे आपल्या कुशीत घेऊन वाढवलेली आहेत आणि अशा मुलांना वाढवून तिने त्यांचे लग्न करून दिलेले आहेत. तिने चांगल्या शिक्षणाला लावून शिक्षण करून पुढे नोकरीला लावलेले आहेत आणि आत्तापर्यंत 30 ते 32 मुलांची आई सुशीला डायस आहे. आणि आमचे टोनी डायस हे तर आत्ता मरण पावलेले आहेत, परंतु त्यांनी देखील इतकं चांगलं तिला साथ देऊन कार्य केलेलं आहे की आत्ताच्या या म्हणजे घटनास्थळी मिस्टर हे मिसेसला अनाथांची सेवा करायला लावत नाही, परंतु त्यांनी देखील अनाथांची सेवा करण्यासाठी तिला खांद्याला खांदा लावून साथ दिली. आणि आत्तापर्यंत ती बिचारी दुःखी कष्टी असून देखील एकटी महिला या महिला दिनाच्या दिवशी म्हणजे तिचा स्वागत करते की तिने मुलांना साथ देऊन आणि आम्हा सर्व गावकऱ्यांना महिला दिन कुठे असा सर्वांना बोलून साजरा केला जात नाही असा भव्य म्हणजे आनंदाने तिच्या आश्रम म्हणजे शाळेमध्ये आमच्या घर स्कूलमध्ये साजरा करून आम्हा सर्वांना बायांना अगदी महिला दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. आणि आम्हालाही महिला दिन काय आहे याची पूर्ण जाणीव करून सुशीला मॅडम ही देत असते. मेरा नाम शुभम सक्सेना है और मैं बहुत खुश हूँ साइकिल मिला मुझे. आई एम वेरी हैप्पी टुडे और मैं अपने प्रिंसिपल और मैडम को बहुत बहुत लाइक करता हूँ इतना कर सब कुछ करने के लिए. ट्विंकल लैब बनाया हमारे उत्तर में, पूरी फर्स्ट नंबर वन स्कूल है हमारी. जैन टॉय चेक रोहित क्या कहेंगे आज स्कूल वालों ने साइकिल दी है आपको? बहुत खुशी हुई सुनकर, बहुत अच्छे लोग हैं और स्कूल भी बहुत अच्छी है. स्कूलच्या खूप खूप आभारी आहे. थँक्यू प्रिन्सिपल सर अँड अगाता सुशीला मॅमला मी थँक्यू बोलते. थँक्यू. थँक्यू सो मच. लव्ह यू ऑल. थँक्यू सो मच. थँक्यू गर्ल्स. थँक्यू सो मच.